आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड बोर्ड एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट 316 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ये वर्कशीट जेनरिक है, जनरल टॉपिक पर है। ये वर्कशीट 24 जुलाई 2021 है। इस वर्कशीट को 6, 7 और 8 के सभी बच्चे करेंगे। कॉमन वर्कशीट है, जनरल वर्कशीट है, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्या है। क्लीनिंग से रिलेटेड आपकी वर्कशीट है, साफ सफाई से रिलेटेड। लुक एट द पिक्चर, नो व्हिच टाउन यू आर फ्रॉम। क्या है, यहाँ पर दो पिक्चर दी गई है। क्वेश्चन यहाँ पे एक ये पिक्चर दी गई है, एक ये पिक्चर दी गई है। व्हिच टाउन डू यू प्रेफर, आप कौन सी जगह को लेना चाहेंगे, कहाँ पर अगर घूमना जाना चाहें, रहना चाहें, तो कौन सी जगह पर जाएंगे। यहाँ पर जाना चाहेंगे इस पिक्चर वाली जगह पर, इस पिक्चर वाली जगह पर, तो कहाँ पर जाएंगे। क्लीन, तो क्या है, क्लीन है ये वाली जगह पर। देखो, हर कोई जाना चाहेगा इस गंदगी वाली जगह पर, कोई नहीं जाना चाहेगा। ये गंदगी फैलाते कौन है, हम ही होते हैं ये फैलाने वाले। लेकिन अगर हमें कहीं घूमना है, कहीं जाना है, तो हम कहाँ से पसंद करेंगे, जो एकदम क्लीन हो, एकदम साफ हो। अब देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ड्राइव द डिफरेंस बिटवीन देम बाय द क्लीन द पेन इन द वर्ड बुक। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर क्या है, क्लीन है, क्या है, करते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को चूज करके हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। देयर इज अ डैश टाउन, द सराउंडिंग आर डैश एंड डैश पीपल डैश टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। नेक्स्ट क्या है, दिस टाउन लुक वेरी डैश, देयर इज डैश ऑल अराउंड द प्लेस, पीपल डैश यूज द डस्टबिन टू डैश द गार्बेज। अब हम करते हैं ये वर्ड्स को यूज करके इसको करते हैं, तो ये करते हैं इसको सॉल्व, और ये करते हैं इसे सॉल्व। देखो क्या कहा गया है, समझते हैं। देखो, ब्यूटीफुल टाउन, यह जो ऊपर वाली चीज दिखाई गई थी ना, यहाँ पे इज अ ब्यूटीफुल टाउन, द सराउंडिंग आर नीट एंड क्लीन। जो इसकी सराउंडिंग है, जो आसपास का पूरा एरिया है, वो कैसा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। पीपल डैश, पीपल यूज डस्टबिन, तो क्या कर रहे हैं, डस्टबिन टू कीप सराउंडिंग क्लीन। लोग जो है अपने आसपास की जगह को साफ करने के लिए डस्टबिन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या आएगा। देखो, दिस टाउन लुक वेरी डर्टी, जैसे नजर आ रहा है ये जो पिक्चर ऊपर दिखाई गई थी, पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, गंदी है। देयर आर गार्बेज ऑल अराउंड द प्लेस, इसमें चारों तरफ क्या है, कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। पीपल डोंट नो डस्टबिन, लोग जो है वो डस्टबिन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो टोटल गार्बेज, कचरे को फेंकने के लिए डस्टबिन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने नोटबुक में कैसे करेंगे, इसी तरह से बॉक्स में ये सारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वाला पैराग्राफ नोट कर लेंगे, चाहे तो ये बॉक्स भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है वर्कशीट में। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया वर्कशीट में, हाउ डू योर सराउंडिंग लुक लाइक, आपके आसपास का जो एरिया है वो कैसा नजर आता है, नीट एंड क्लीन नजर आता है कि गार्बेज से भरा हुआ नजर आता है, तो वो यहाँ पर देखना है। तो मोस्टली हम अपने घर के आसपास सफाई रखते हैं, तो इसलिए वो नीट एंड क्लीन नजर आता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हम देखिए किस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे आर सराउंडिंग लुक नीट एंड क्लीन लाइक अ ब्यूटीफुल टाउन, मेरे आसपास का जो है एरिया वो कैसा है, नीट एंड क्लीन है, लाइक अ ब्यूटीफुल टाउन, जो ब्यूटीफुल टाउन दिखाया गया था उस तरह से। जो एरिया वो नजर आता है, अगर आपका डर्टी है तो क्लीन करने की ड्यूटी आपकी है, तो कैसा नजर आना चाहिए, नीट एंड क्लीन आना चाहिए। अब कैसा आता है आप उसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4, हाउ कैन यू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, आप अपने आसपास की जगह को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। लेट अस आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक, आप अपने आसपास के एरिया को किस तरह से साफ रख सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको चूज करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन अ डैश नेबरहुड और सराउंडिंग, हम अपने सभी जो सभी लोग हैं वो अपने आसपास क्या चाहते हैं, सफाई चाहते हैं कि डर्टी चाहते हैं। तो ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव एंड क्लीन नेबरहुड, अब आसपास की जगह कैसी होनी चाहिए, सराउंडिंग जगह क्लीन होनी चाहिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया, वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंट क्लीनिंगनेस, हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास की जगह को क्राउडेड करना चाहिए कि क्लीनिंगनेस करना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लीनिंगनेस। वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल तरीके से भी हमको क्या करना चाहिए, क्लीनिंगनेस करना चाहिए, और एनवायरमेंट को भी क्या करना चाहिए, क्लीनिंगनेस करना चाहिए। दिस विल हेल्प अस टू लिव डैश लाइफ, अगर साफ सफाई होगी तो वो हमारे लिए कैसी लाइफ देगी, हेल्दी लाइफ देगी। दिस विल हेल्प, ये हमारी हेल्प कैसे करेगी, हेल्दी लाइफ जीने में हमारी हेल्प करेगी। वेस्ट और गार्बेज डैश बी थ्रोन एनी वेयर बट ओनली इन डस्टबिन, जो वेस्ट और गार्बेज है शुड नोट, मतलब हमें कभी भी इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, ओनली कहाँ फेंकनी चाहिए, डस्टबिन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, कलेक्टिंग और थ्रोइंग गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, हमें क्या करना चाहिए, विल पोल्यूट द एनवायरमेंट, अगर हम जो गार्बेज है उसको थ्रो कर देंगे एनी वेयर, क्या करेंगे, हम थ्रो कर देते हैं, उससे क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगा एनवायरमेंट।
अगर देखो यहाँ पे क्या बना है, थ्रोइंग गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस विल पोल्यूट द एनवायरमेंट। क्या करेगा, पोल्यूशन कर देगा, एनवायरमेंट को खराब कर देगा, पोल्यूट कर देगा। कंट्रोलिंग द यूजिंग पेपर बैग्स विल हेल्प द कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। कंट्रोलिंग द यूजिंग ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक आएगा, पेपर नहीं आएगा। पेपर तो कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक को तो यूज ही नहीं करना ना। कंट्रोल द यूज ऑफ पेपर बैग्स विल बी हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो यहाँ पे प्लास्टिक हो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक को तो हमें नो ही बोलना है, प्लास्टिक का तो यूज़ करना ही नहीं है, लेकिन जो पेपर बैग है उसका भी यूज़ क्या करना है, बहुत कंट्रोल में करना है। तो कंट्रोलिंग द यूज ऑफ पेपर बैग्स विल हेल्प द कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। अब जैसे पेपर यूज़ किया उसको थ्रो कर दिया, तो ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, पेपर बैग जो है उसको भी यूज़ क्या करना है, कंट्रोल करना है, जिससे कि हमारा सराउंडिंग क्लीन हो सके। लेकिन प्लास्टिक को तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ही नो कर देना है, प्लास्टिक का तो यूज़ करना ही नहीं, कंट्रोल नहीं करना, उसको यूज़ ही नहीं करना, इसलिए यहाँ पे पेपर किया गया। ठीक है, वन शुड यूज रिसाइकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक पेपर जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। क्या करना है हमें, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसे इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कैसे होते हैं, इको फ्रेंडली मतलब कि जिसको बार बार यूज़ किया जा सके, अगर वो ख़राब हो गया तो उसका रिसाइकिल जल्दी से हो सके। वन शुड यूज रिसाइकिल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक पेपर जूट बैग। पेपर और जूट बैग को अगर हमें यूज़ भी करना है तो ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना है जो रिसाइकिल हो सके, जो इको फ्रेंडली हो। लिटरिंग कोज लेक लैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन। देखो सैनिटाइज साफ सफाई क्या करता है, पोल्यूशन को कोज होता है, नहीं होता, लेकिन लिटरिंग क्या करेगा, लैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन का कोज होगा। स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी विल हेल्प अस टू सेव आवर डिजीज। क्लीन और हेल्दी रहने से हम क्या कर सकते हैं, किससे सेफ रह सकते हैं, डिजीज से सेफ रह सकते हैं, चीफ से भी सेफ रह सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिजीज। सो वी शुड कीप द सराउंडिंग क्लीन, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। क्या करेंगे, और एक अच्छी सी लाइफ जिएंगे, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से आज की जो वर्कशीट है उसे आप कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट देखो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करना, जो सिक्स क्वेश्चन है ना, इसमें प्लास्टिक का तो कंट्रोल है नहीं, प्लास्टिक को तो यूज़ ही नहीं करना, पहला तो बैन है ना प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग को तो यूज़ ही नहीं करना, और पेपर बैग को भी हम क्या करेंगे, बहुत ही जो यूज़ है उसका एकदम कंट्रोल, एकदम कम कम यूज़ करेंगे। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।